हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट विजडम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि जिन स्टॉक्स में डिलीवरी परसेंटेज ज़्यादा होता है उन स्टॉक्स की बढ़ने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होती है। इस वीडियो में हम आपको निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स की डिलीवरी परसेंटेज एक सिंगल पेज पे कैसे देख सकते हैं ये बताएंगे। किसी भी स्टॉक की पिछले एक साल में डिलीवरी परसेंटेज कितनी रही है इस विषय पर भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम आपको कुछ बोनस टिप्स भी देने वाले हैं जिससे आप निफ्टी 50 के अलावा निफ्टी जूनियर, निफ्टी मिडकैप, निफ्टी स्मॉल कैप और डिफरेंट सेक्टर्स के भी हाई परसेंटेज डिलीवरी स्टॉक्स को बड़ी ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकोगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, गूगल में सबसे पहले हम टाइप करेंगे हाई डिलीवरी स्टॉक्स NSE, हाई डिलीवरी स्टॉक्स NSE मनी कंट्रोल, और अब हम यहां इसे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, यहां हमें जो ये पहली लिंक दिख रही है, अब हम यहां इस पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, उस लिंक को क्लिक करने के बाद हम moneycontrol.com की वेबसाइट पर हाई डिलीवरी स्टॉक के होम पेज पर आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस पेज की मदद से हम कैसे हाई डिलीवरी स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम इस पेज से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बॉक्स है और इसमें जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है वो CNX निफ्टी। तो दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं कि कंपनी नेम के अंडर में सारे निफ्टी 50 के स्टॉक्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिस्प्ले यहाँ पे हो रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट प्राइस डिस्प्ले हो रहा है, चेंज डिस्प्ले हो रहा है, परसेंटेज चेंज डिस्प्ले हो रहा है और डिलीवरी परसेंटेज भी डिस्प्ले हो रहा है। 5-day एवरेज डिलीवरी परसेंटेज डिस्प्ले हो रहा है, डिलीवरी वॉल्यूम डिस्प्ले हो रहा है, एवरेज डिलीवरेबल क्वांटिटी डिस्प्ले हो रही है, ट्रेडेड वॉल्यूम डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ एक ग्राफ की लिंक भी मिल रही है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं और समझते हैं कि इस पेज को हम कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज का एक कॉलम है। तो अब हम सबसे पहले इस डिलीवरी परसेंटेज के कॉलम पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने उस परसेंटेज डिलीवरी के कॉलम पे क्लिक किया तो इसे हम देख सकते हैं कि जिन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा डिलीवरी हुई है वो स्टॉक सबसे ऊपर में है और उसके बाद जिन जिन स्टॉक्स में डिलीवरी परसेंटेज कम होती गई है उसके बाद वो सारे स्टॉक्स जो है यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। तो दोस्तों जब हमने डिलीवरी परसेंटेज पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी नेम के अंडर में सारे स्टॉक्स जो है वो रीशफल हुए हैं और अब ये जो स्टॉक यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं ये इनके डिलीवरी परसेंटेज के हिसाब से डिस्प्ले हो रहे हैं। तो जिसका डिलीवरी परसेंटेज सबसे ज्यादा है वो सबसे टॉप में है, उसके बाद जिसका डिलीवरी परसेंटेज कम है वो सेकंड पे है और इसी तरीके से सारे स्टॉक्स जो है अब यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी में हमें पहले वो 5 स्टॉक्स को चूज करना है जिनका डिलीवरी परसेंटेज सबसे ज्यादा है। जैसे कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि विप्रो का डिलीवरी परसेंटेज 65% है, HDFC बैंक का 63.95 है, HUL का 62.12 है, टेक महिंद्रा का 61.66 है और ITC का 61.12 है। तो दोस्तों, यहां से हमें वो 5 स्टॉक्स मिल जाएंगे जिनका डिलीवरी परसेंटेज जो है वो सबसे ज्यादा है। और दोस्तों, इस मेथड से हम जो स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे उसमें हमेशा ही डिलीवरी परसेंटेज हमें मोर देन 60% को ही कंसिडर करना है। तो दोस्तों, डिलीवरी परसेंटेज जितना ज्यादा होगा उतना ही वो स्टॉक जो है वो बुलिश होगा, इसीलिए हम हमेशा उन स्टॉक्स को ही चूज करेंगे जिसका डिलीवरी परसेंटेज मोर देन 60% हो। दोस्तों, यहां से जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पे ग्राफ भी है, विप्रो का ग्राफ देखने के लिए अब हम यहां इसे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम यहां से देख सकते हैं कि यहां पे विप्रो का एक डिलीवरेबल वॉल्यूम इन विप्रो का एक ये पेज डिस्प्ले हुआ है। दोस्तों, जैसे कि हम यहां से देख सकते हैं कि ये डिलीवरेबल वॉल्यूम 5 डेज के लिए हम देख सकते हैं, 1 मंथ के लिए देख सकते हैं, 3 मंथ्स के लिए देख सकते हैं, 6 मंथ्स के लिए देख सकते हैं या फिर 1 ईयर के लिए भी देख सकते हैं। दोस्तों, बाय डिफॉल्ट यहां पे 1 मंथ का डिलीवरेबल वॉल्यूम जो है ये सिलेक्टेड होता है। दोस्तों, जैसे कि हम इस चार्ट से देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से डिलीवरेबल वॉल्यूम को जो है डिस्प्ले किया है। तो दोस्तों, इस बार चार्ट के y एक्सिस पे टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी है और इसके x एक्सिस पे जो है वो पीरियड है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने 1 मंथ यहाँ पे सिलेक्ट किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो चार्ट है ये 30 अप्रैल से लेकर 27 मई का है। तो दोस्तों, यहाँ से जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये टोटल जो बार है ये टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी है और दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ से देख रहे हैं कि येलो कलर में जो ट्रेड क्वांटिटी है वो डिलीवरेबल क्वांटिटी है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें एक जो ब्लू लाइन दिख रही है ये इस स्टॉक की प्राइस है। तो दोस्तों, इस चार्ट से हमें काफ़ी वाइटल इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि इस चार्ट से हमें इसकी स्टॉक प्राइस मिलती है और टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी और डिलीवरेबल क्वांटिटी भी मिलती है।
तो दोस्तों इस वीडियो के शुरू में जैसे कि हमने कहा था कि इस वीडियो के एंड में हम आपको कुछ बोनस टिप्स भी देने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों उन बोनस टिप्स को समझते हैं। दोस्तों जैसे कि हम इस पेज से देख पा रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे निफ्टी 50 के स्टॉक्स जो है ये लिस्टेड है। तो दोस्तों अब हमें निफ्टी जूनियर्स के उन स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है जिनमें डिलीवरी परसेंटेज जो है वो मोर देन 60% है। तो दोस्तों उसके लिए अब हमें इस ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करना होगा। से आप देख सकते हैं कि यहाँ से CNX निफ्टी जूनियर जो है यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से हम CNX मिडकैप को सिलेक्ट कर सकते हैं, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और IT के स्टॉक्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों उसी तरीके से हम कैपिटल गुड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑयल एंड गैस को सिलेक्ट कर सकते हैं, मेटल को सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑटो को सिलेक्ट कर सकते हैं, हेल्थ केयर को सिलेक्ट कर सकते हैं, FMCG को सिलेक्ट कर सकते हैं, रियल्टी को सिलेक्ट कर सकते हैं और PSUs को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पेज से हमें निफ्टी 50 के स्टॉक्स, निफ्टी मिड कैप के स्टॉक्स, निफ्टी स्मॉल कैप के स्टॉक्स और डिफरेंट सेक्टर के स्टॉक्स भी हम चूज कर सकते हैं जिनमें डिलीवरी परसेंटेज जो है वो मोर देन 60% है, और इसी बेसिस पे जो है हम हमारी स्ट्रेटेजी बिल्डअप भी कर सकते हैं। जब भी आप किसी स्टॉक में पोजिशन ले तो उसके डिलीवरी परसेंटेज के साथ साथ उसका टेक्निकल चार्ट आप जरूर देखें। अगर टेक्निकल चार्ट में आपको सपोर्ट जोन मिलता है तो डेफिनेटली आप उन स्टॉक्स में जो है वो पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों सभी स्टॉक्स में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करना है इसके लिए हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना लिया है। तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।